अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाई खैर, शहर की आबादी का गंदा गटरों वाला पानी लोगों की लाखों करोड़ों रुपए की इरादी में छोड़ दिया गया है, जो आहिस्ता आहिस्ता जमा होते होते झील की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसके गंदे पानी की बदबू फैल रही है और इर्द गिर्द के लोगों की परेशानी में इजाफा कर रही है। ये झील मच्छरों की आमाजगाह बन गई है। मलेरिया और कई मूदी मर्द इस झील की वजह से फैल रहे हैं। 2016 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक्त के एमपी बैदुल्ला खान शादी खैर ने पानी की निकासी के लिए 1,60,00,000 रुपए की ग्रांट मंजूर की थी। सीवरेज के लिए पाइपलाइनें भी बिछा दी गई थी, लेकिन रेलवे लाइन के नीचे से क्रॉसिंग का इशू बन गया था। तब से अब तक मसला जूं का तूं है, झील दिन ब दिन फैल रही है। 26 फरवरी 2022 को रेलवे क्रॉसिंग की एनओसी भी मिल गई थी और 11,50,000 रुपए एनओसी फीस भी जमा हो गई है। फिर भी ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया और महकमा पब्लिक हेल्थ भी काम शुरू ना करा सका, जबकि इस वक्त पंजाब में हुकूमत पीटीआई की है। ज़िला मियांवाली के सबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे। ज़िला मियांवाली पीटीआई का गढ़ है। मियांवाली के 3 एमपीए हैं, अमीनुल्ला खान, अहमद खान भच्चर, सुल्तान खान और हाजी अमीनुल्ला खान, जबकि ये हलका हाजी अमीनुल्ला खान का है। सुल्तान खान पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं और पंजाब के वज़ीर आला भी पीटीआई के इत्तेहादी परवेज़ इलाही हैं। आने वाले दिनों में सुनने में आया है कि झील के अराजी के मालिक इस झील में शामिल होने वाले पानी का रास्ता मट्टी और खाका डालकर बंद करने वाले हैं, और अगर पानी का रास्ता बंद हो गया तो लोगों के घरों का गंदा गटरों वाला पानी सड़कों पर आवारा फिरने लगेगा और लोगों की चार दीवारियों में चला जाएगा, लोगों की चार दीवारियां गिर जाएंगी। लोगों का तो मुआशी नुकसान होगा, लेकिन हुकूमत का करोड़ों रुपए का जो तरक्याती फंड लगा है और लग रहा है, और सड़कें पुख्ता हो रही हैं, घरों के पानी से सड़कें टूट फूट जाएंगी। पानी की निकासी के लिए सीवरेज पाइप लाइन से कनेक्शन देकर पानी को रास्ता दिया जाए, ताकि झील का भी खात्मा हो और आवाम के घरों के पानी की भी निकासी हो। अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।